नमस्कार साथियों, एक अंग्रेजी कहावत है कि एज इज बट जस्ट नंबर, कि जो आपकी उम्र है वो एक संख्या मात्र है। यस, इट्स ट्रू। किसी का ये कहना कि वो आदमी बूढ़ा है, जवान है या बचपन में है, इसका उसकी उम्र से कोई लेना देना नहीं है। इसका वास्ता होता है उसके चिंतन से कि वो सोचता कैसे। एक बूढ़ा भी जवान हो सकता है, कहावत भी है कि बुढ़ापे में जवानी आ रही है। एक जवान भी बूढ़े की तरह होता है, हम कहते भी हैं अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा मैच्योर है। एक जवान भी बचपन में जा सकता है, हम कहते ना इसका अभी तक बचपन ही नहीं गया, अभी तक जब बचपन ही खत्म नहीं हुआ इसका, क्योंकि इसका कहीं भी इसका सारोकार आपके उम्र के नंबर से नहीं है। इसका सारोकार होता है कि आप सोचते कैसे हैं। आपने देखा होगा फोन पे मोड होते हैं हमारे, एरोप्लेन मोड, जनरल मोड, डिस्क्रीट मोड, ऐसे ही हमारे चिंतन के भी मोड है, हम किस दिशा में सोचते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा, और मेरे बताने के बाद आप ये निश्चित करिएगा कि आप बूढ़े हो गए, आप जवान हैं, या अभी आपका बचपन ही चल रहा है। जो भी आदमी हमेशा अतीत की बात करे, ए मैन हु ऑलवेज लिव इन हिज पास्ट, वो आदमी बूढ़ा है। जो आदमी कहे हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, मैंने ऐसा किया था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, ए पर्सन हु ऑलवेज टॉक्स अबाउट हिज पास्ट, दैट पर्सन इज ए ओल्ड मैन, वो आदमी बूढ़ा है। बूढ़ा वो नहीं है जो 60 साल 70 साल का हो गया है, बूढ़ा वो है जो हमेशा अतीत की बातें करता है, हमेशा जो बीत गया वो उसी के माला जपता रहता है। इसी के उलट जो हमेशा भविष्य की बात करता है, मैं ऐसे करूंगा, अगले 5 साल में मेरी ये प्रॉपर्टी है ये डबल हो जाएगी, मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था ये 3 साल में डबल हो जाएगा, या ये 5 साल में मैं ये वाली गाड़ी खरीदूंगा। जो भी आदमी भविष्य की बात करे, फ्यूचर की बात करे, वो आदमी अभी तक बच्चा है। जब बच्चा होता है जिज्ञासा, बच्चा मतलब उत्साह, देखा होगा बच्चे में जिज्ञासा होती है, तो जिसमें अभी भी जिज्ञासा बाकी है भविष्य कुछ करने की, कुछ पुरुषार्थ पाने की, कुछ अपने भाग्य को कर्म के अधीन लाने की, वो आदमी अभी भी बचपन में है। तो एक बूढ़ा भी बचपन में हो सकता है, वो हमेशा भविष्य की बातें करे। आप देखते हैं MDH मसाले के महाराज जी आते हैं, वो अभी तक वो बच्चे हैं, वो अभी तक भविष्य की बातें करते हैं। मैं एक महिला को जानता हूँ, शी इज ए फैशन डिजाइनर एंड शी इज अराउंड 18, और मुझसे इन्होंने कहा कि सर मैंने एक प्लॉट लिया है हैदराबाद में, और मुझे उम्मीद है कि 5 साल में इसका रेट डबल हो जाएगा, और 78 साल की उम्र में उन्होंने अपना एक और ब्रांड लॉन्च किया, और कहा ये देखना अगले 10 सालों में मैं इस ब्रांड को कहां से कहां पहुंचा दूंगी। एट द एज ऑफ 78 शी लॉन्चेस अ ब्रांड एंड शी इज सेइंग अनदर 10 ईयर इट विल रीच द हाइट। वो भी बचपन में, क्योंकि भविष्य की बात करें, वो ये बात नहीं कर रही मेरे घुटने नहीं चल रहे, मैंने ऐसे किया वैसे किया, तो मुझे अभी ये करना है, अभी ये और करना है। तो ये बात की मैंने आपके बुढ़ापे की और बचपन की। अब जवान कौन, जो हमेशा वर्तमान की बात, जो हमेशा अभी की बात करे, जिसकी निगाहें अभी पे है, कि जो खा लिया वही इतना, जो खर्च कर दिया वही सही, ही नेवर टॉक्स अबाउट फ्यूचर, वन मस्ट नेवर टॉक अबाउट पास्ट, वो जवान है। जवान को है जो मिला अभी, जो करना है अभी करो। जो आदमी हमेशा, तो वह आदमी नित्य जवान रहता है, वो कभी बूढ़ा होगा ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा ही विल लिव इन द प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड जवान। तो इसलिए मैंने कहा कि उम्र नंबर से, वैसे भी हमारी हिंदू ज्योतिष में जब हम दशा देखते हैं, अगर आप अपनी कुंडली देखेंगे तो विंशोत्तरी दशा, हमें भगवान ने 120 साल का जीवन दिया है। मुझे याद है एक बार मैं लंदन में था और मैंने ये लेक्चर दिया विंशोत्तरी दशा के बारे में, तो मुझे एक ब्रिटिश लेडी ने कहा, ओ माय गॉड, शी वाज 61, उसने कहा आई हैव जस्ट क्रॉस द हाफ मार्क, हमारे यहां 65 साल में आदमी रिटायरमेंट की बात करता है, एंड व्हाट शी इज सेइंग आई हैव जस्ट क्रॉस द हाफ मार्क, वो लेडी जवान है। तो आज वीडियो के बाद चिंतन करिएगा, देखिएगा, अपने बालों की सफेदी में मत जाइएगा, अपने रिंकल्स में मत जाइएगा, ये देखिएगा कि आप कैसा सोचते हैं और वही आपकी अवस्था है। धन्यवाद।